नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। कोरोना के दूसरी लहर के बीच बुरी तरह से विफल केंद्र सरकार और उत्साहजीवी प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सोशल मीडिया उबल रहा है। इस समय भारत में दो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, हैशटैग रिजाइन मोदी और हैशटैग शमशान मंत्री मोदी। हालांकि इस हैशटैग के विरोध में हैशटैग नेशन विद मोदी भी ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसका असर फीका है। 19 अप्रैल सोमवार को 273,810 नए कोविड के मामले भारत में दर्ज किए गए हैं। तेजी से बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना के संदर्भ में उदासीन रवैया और चुनाव की ओर गहरी रुझान के कारण अब प्रधानमंत्री के इस्तीफा की मांग की जा रही है। देश में कोविड-19 के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के कहर से देश त्राहिमाम कर रहा है। देश की राजधानी में वीक लॉन्ग लॉकडाउन लग गया है। इसी तरह महाराष्ट्र, बिहार समेत अन्य राज्यों में राज्य सरकारें परिस्थिति के अनुसार नियम बना रही हैं। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव की रैलियों में भारी भीड़ के साथ बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में है, जबकि बीजेपी के विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के कारण पश्चिम बंगाल की रैलियों को रद्द कर दिया है। तमाम रवैयों को देखते हुए नेटिजन्स चाहते हैं कि मोदी कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रति इस उदासीन रवैया और विनाशकारी संचालन के लिए इस्तीफा दे दें। मौजूदा समय में हैशटैग रिजाइन मोदी भारत में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। इस मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दूसरी लहर को गलत तरीके से संचालित करने के लिए प्रधानमंत्री से इस्तीफा की मांग की है। उन्होंने कहा कोविड-19 के मामले के आसमान छूने के कारण उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ये वही व्यक्ति है जो इसके जिम्मेदार है। ना कोई योजना, ना कोई प्रशासनिक क्षमता है, ना तो खुद आगे की योजना बनाई और ना ही किसी को ऐसा करने दिया। भारत में कोविड के मौजूदा हालत के लिए नेटिजन्स पीएम मोदी को जवाबदेह ठहरा रहे हैं और उनका चुनाव करना भारत के लिए सबसे बड़ी गलती ठहरा रहे हैं। दोस्तों, आप इस हैशटैग के कितने समर्थक हैं और कितने विरोधी, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और जिस हैशटैग को आप सपोर्ट करते हैं उस हैशटैग को कमेंट में लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कोरोना वायरस के नए अपडेट के साथ। देश और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।